भाई जी का जमाना बड़ा खराब आ गया है, क्या बोले ना दोस्तों। देख रहे हैं दही आया हुआ है, दही लेंगे। देख रहे हैं कौन मार दिया, कौन देख रहे हैं इसके आंख पे कोई मार दिया है। ये देखिए आंख इसका कट गया है, ताक देख नहीं पा रही है, और नाक पे भी इसका चोट लगा है। नाक पे देखता नहीं कितना ताक नहीं खे पाओ तू। हेती हेती बच्चा सके मारता रहन से बताओ का हो गया आई लिया का, कौन मारा रे बेटा। देता रखे ते कस के मर ले बाला सा दो छुए नहीं खा लेते दर्द करता ओकरा। देख रहा ऊपर जाके मेरे पास आके बोल रही है वहाँ 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 हाँ। ये रात को कोई मारा है, नहीं तो सुबह हम लोगों को उठने से पहले कोई मारा है इसको। नहीं तो लाला जी सुबह सुबह केला का सब्जी बना रहे हैं, अलग तरीके से बना रहे हैं। तो दोस्तों आज का लंच में शाही पनीर, शाही पनीर मैं बनाई हूँ, देख रहे हैं। तो मुंह में पानी आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों का भी, तो आप लोगों के लिए एक प्लेट हम सर्व कर लेते हैं। वैसे तो ये शाही पनीर बहुत सस्ता है, 80 रुपया का हाफ प्लेट, लेकिन 4 पीस दे देती हूँ लाला जी, जैसे कंजूसी नहीं करती हूँ। हाँ ले चलते हैं, एक प्लेट ये है, ये 160 वाला थाली है, ये 80 रुपया मात्र, आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। तो देखिए कितना जबरदस्त बनाई हूँ ना दोस्तों, कस्टमर भी आए हुए हैं इधर। वाह भाई मजेदार। बाल डरा है कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो मम्मी सबको खाना दे दी है, रोटी खा लेना तो रुमाली रोटी खिला हमसे, ये अभी इनके लिए कटोरा दूसरा चाहिए भाई। हाँ भैया अभी लोग बढ़ गए हैं। रुक जा आ तेरे को दूसरा। हेलो नीचे रख, देखा जाएगी वो पिलो, नीचे रख ना खा जाएगी। अरे रुको तो रख, काहे उसे कर रहा है, कोई पता है ना जानवर है वो। हे बड़ी जा खतरन सर बाबू, खतरन सर बाबू मत मरी हालो। हां जे मारे ने ओकरा पाप लागेला, ठीक बा, मत मरिया। ई ना मारे ले तो खूब चुमा ले ले ओकरा। हां ना ले जाइबू, ले जाइबू चलो नी, एगो ले जा मम्मी को दे दिया, देखो ना रोटी रोटी एगो दे दिया रोज दिन। भाई कोई नाम नहीं ले रहा, बच्चे भी नाम नहीं ले रहे हैं, बड़ों को तो दिक्कत है ही, जानवरों से बहुत लोगों को दिक्कत है भाई, बहुत ताने भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन अब जानवर खा लेंगे, बड़े हो जाएंगे, एक दो महीना में पता नहीं कहाँ जाएंगे। बच्चे मन के साथ चले, लेकिन बच्चे खिलाते बहुत हैं, बहुत प्यार करते हैं, भले ही उनको लग रहा होगा कि ले जाऊंगा तो रोटी देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी जो भी छोटे बच्चों को तो लगता ही है कुछ भी, कि मम्मी बोलेगी डांटेगी जैसे कहाँ से उठा ले आया। मेरा लक्की भी ऐसी करता था, कहीं भी देख लेगा ना छोटा डॉग उठा लाएगा और बोलेगा इसको पालो, और उसको पाल लेंगे अच्छे साथ मिला के हो जाएगा बड़ा, तो फिर चला जाएगा किधर किधर। और दो तीन तो डॉग ऐसा था कि मतलब ये इन लोगों का ना स्कूल तक चला जाता था साथ में, एक तो डॉग खो गया तो बहुत रोया लक्की। उसका नाम रखा था, क्या रखा था पता, सैंडी नाम था। सैंडी नाम रखा था। तो कैसे गया था, बहुत स्टोरी लंबी चौड़ी है। और दो पाले थे तो एक चला गया बनारस, बनारस गया ना वो, कोलकाता कोलकाता, हाँ कोलकाता गया, नाम था टॉमी, उसका टॉमी नाम था। आ एक पाला था तो सैंडी नाम था, और एक का जैकी, एक काला ना काला काला, जब मैं बहुत छोटा था तो मुंशी अंकल बेच दिए थे। हाँ। मुंशी अंकल को पापा दे दिए थे। हाँ।
दूसरे को दे दिए थे ना, तो ये ना दिन भर खेलने में लगा रहता था, पढ़ता नहीं था, उसी में लगा रहता था, तो दे दिए थे दूसरे को पापा इसके। हाँ भाई, बचपन से मुझे डॉग्स बहुत पसंद थे, कैट भी पसंद थी यार बहुत, मतलब कोई भी एनिमल हो, इंसेक्ट हो, सभी पसंद थे। पर मम्मी पालने नहीं देती थी। सैंडी को तो बहुत ढूंढा ना, सैंडी को। नहीं, सैंडी मिला भी था पर वो काफी बड़ा हो गया था, पता है। देख रहे हैं, सैंडी इसको मिला था। नहीं, फिर हम गांव चले गए थे ना, उसके बाद मुझे अभी भी याद है, पापा लोहिया गेट लेने गए थे, तो फिर हम लोग स्कूल जा रहे थे, अब वो ना स्कूल के साथ हमारे स्कूल तक आ गया, फिर बीच रास्ते में ना पापा हमको लेने के लिए आ गए थे बाइक से। अब वो छोटा बच्चा ही था, मेरा मन कर रहा ना कि मैं चला जाऊँ घर पे इसको छोड़ कर आऊँ, पर उस दिन ना यूटी था, यूटी में मतलब होता है 20 नंबर का टेस्ट होता है और उसके नंबर ना फाइनल में जुड़ते हैं। मेरी बहन ने बोला नहीं नहीं, ठीक है। फिर हमने पापा को बताया भी नहीं था कि पापा सैंडी है। उस दिन 13 तारीख थी, मुझे अभी भी याद है, और 15 तारीख को गाँव जाना था। ठीक, खो गया सैंडी, खोआ दिए मेरे सैंडी को, मेरे से दूर कर दिए। हाँ, एक और जैकी था जो बड़ा वाला था, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो तो हम दिल्ली वाली आने लग गए थे। हाँ, उसको ना कुछ दिनों के बाद, जो थोड़ा बूढ़ा हो गया था ना वो, नहीं उसके सर पे कीड़ा लगा। हाँ, था तो तभी तो मतलब बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में उसको यहाँ मुंडी पे कीड़ा लग गया, तो फिर ये ठीक नहीं कर पाया, लक्की तो बहुत पछता रहा था। गाँव चले जाते थे। हाँ, मतलब गर्मियों की छुट्टी में गांव में जाती थी, जब ये लोग छोटे थे ना, तो हर छुट्टी में जैसे आ जाती थी, और जब स्कूल खुलने वाला होता था तो दो दिन पहले जाती थी। हाँ, मेरा दर्द कर रहा है। किसी दिन पिल्लू अपनी स्टोरी सुनाऊंगा ना, पिल्लू मेरी स्टोरी सुनोगे ना बाबू? अब तो बहुत सारे पिल्लू हो गए मेरे पास स्टोरी के लिए। आजकल तो 50 को तरह के थी बा। एक डॉक्टर हो, एक दौते वालो। कैसे हो सेवा करता नहीं भगवान, सब देखता। आ जे जैसन करी नी ओकर फल पाई, जाननी रे, टेंशन मत ली। आ जे जैसन करी वैसन। दीदी का ना एक गाय थी, 2-3 महीना में बच्चा दे देती, 6 महीने। हाँ, अभी 6 महीना का मतलब गभिना थी। अब बहुत बुरा खबर सुनाई दिया कल ही शाम को, और तब से मन दुखी थे। हैं, सुन के मन दुखी था। दीदी दिख नहीं भी नहीं रही थी, दीदी नहीं दिख रही थी खेत में। हम सोच रहे हैं काहे नहीं आ रही है दीदी। हैं, तो वही सब बात है। आजकल इंसान को पता नहीं जानवरों से भी क्या नफरत है। हैं, नफरत है ना, काहे भाई जी, जमाना बड़ा खराब आ गया है, क्या बोले दोस्तों। अब पता नहीं गाय को क्या हो गया, दीदी को मतलब क्या बोले। बहुत से मन में बातें आती हैं, कुछ ऐसा देख ली हैं कि उनको मतलब लग रहा है कि कुछ किया गया है, इसीलिए वो परेशान है। मेरे को भी सुन के कल ही शाम को सुनी, बड़ा दुख हुआ मन में। लेकिन जो जैसा करेगा तो भगवान जी देख रहे हैं ऊपर वाले। गौ माता किसका क्या बिगाड़ी है। तो अभी मैं थोड़ा साड़ी चेंज की हूँ, एक ग्रेवी वाला सोच रही हूँ बनाऊँ, ग्रेवी कि मतलब किसी भी सब्जी में आसानी से कोई भी बना ले, और हम भी बना के रख देंगे, तो कभी जब मन करेगा तब सब्जी फटाक सकर बन जाएगा 5 मिनट में। तो वही जा रही हूँ सामान निकालने। हाँ, वो थोड़ा सा निकाले, थोड़ा सा बाकी है, और फिर दिखाते हैं, जो दिन भर करेंगे वही दिखाएंगे आप लोगों को भी। देखिए भाई, सेहत का राज, अभी खाएंगे। और दोस्तों, अभी 6 बज चुके हैं, और 6 बजते मैंने सोचा कि रेसिपी तो कंप्लीट हो गई है, और मम्मी ने बनाया था मावा, देखिए ये रहा कढ़ाई में, और मैं और भाई जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। और मैं आपको एक रेसिपी दिखाना तो भूल ही गया, वो रेसिपी नहीं है, वो हर रेसिपी में काम आने वाली चीज़ है। तो ये तो हमारा मावा हो गया,
और ये देखिए ये मम्मी ने प्यूरी बनाई है, किसी भी सब्जी में डाल के बनाई है, 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस अलग अलग है। दोनों वीडियो कुछ दिनों बाद ही मिलेंगी आपको ठीक चैनल पे, अनीता जी की दुनिया ओ अनीता जी के किचन पे मिलेंगी रेसिपी चैनल पे। मैं और भाई जा रहे हैं बाल कटवाने, बाल बढ़ गए हैं, टकला हो जाऊंगा मम्मी, मम्मी टकला हो जाऊं, हो जाऊं ना? क्यों टकला होगा? टकला नहीं हो सकता, नहीं बरसात के दिनों में होते हैं। क्यों? अभी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते अभी? अभी ठंड गर्मी लगेगा तो गर्मी, तो बाल होता तो गर्मी लगता है ना, बाल रहेगा तो कम गर्मी लगेगा। अच्छा चलो मैं फोन लेके जा रहा हूँ, ठीक है वाला आईफोन मिल गया भाई आज तो, तो यही तो ले जाना पड़ेगा, आईफोन ना दोगी? ले जाने दो ना, जा रहा हूँ भाई। पारो को निकाल के आराम से चलते हैं, पास में जाना है, पास में फिर भी मेरे को लगेगा। तो भाई तेल पूरा खत्म हो गया था, तेल भरवाने के लिए आए हैं, तो भाई फ्यूल पूरा हो गया है, अब चलेगी हफ्ते भर। भाई जैसे ही हम लोग आए सारे बच्चे आ गए, और जैसे ही पिल्लू आए फिर वहाँ चले गए। तो भाई मैंने और भाई ने दोनों ने बाल कटवा लिए हैं,